और राजस्थान का जो इंसान है ऊंट वाला इंसान है। अरे आपका ऊंट गुलाबी क्यों है? ठीक है, कहीं पे मयूर है, कहीं पे डॉल्फिन है, बहुत प्यारा सा है, बहुत सारा प्यारा सा अभी हुए। और सामने में वहां पर ना पंछी उंछी भी रखा हुआ है, तो गेस्ट हाउस देख रहे होंगे। गेस्ट हाउस के आस पास का जो सामने का जो ग्राउंड है ना इसको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं हम और दूल्हा भाई, दोनों जन हम लोग जा रहे हैं घूमने एक अच्छा सा प्लेस में। और कहाँ जा रहे हैं तो बने रहिए ब्लॉग पे, तभी आप लोग को भी पता चलेगा। वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद प्रॉपर एड्रेस फुल एड्रेस आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले दोस्तों, ठीक है? बोल दो लाइक करने के लिए। तो दोस्तों लाइक करें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू ब्लॉग देखने मिलेगा, हाँ हमेशा नया नया ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मौसम तो काफी अच्छा हो रखा है, दो दिन से बारिश हो रहा था, लेकिन आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का एकदम धूप निकला हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बारिश होगा तो बात का बात है। तो चलिए फिलहाल हम लोग घर से निकलते हैं। क्या रास्ता है, देख रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है इस रास्ते में। भाई साहब क्या रास्ता है, आप लोग बताइए रास्ता का व्यू कैसा दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग काफी दूर आ गए हैं घर से, और जहाँ जाने वाले हैं यहाँ से उसका डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर। तो उससे पहले ये जो नज़ारा दिखाना, तो रुक गए हम लोग, आगे जाने को मन ही नहीं किया। सोचे कि यहाँ का थोड़ा बहुत सीन आप लोग के साथ शेयर करें। तो आप लोग देख रहे होंगे आसपास का जो है बहुत ही बड़ा जंगल है, देख ले आप यहाँ का जो जंगल का व्यू है, थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते होंगे। और हम लोग को जाना है सामने की तरफ ही जाना है। क्या दुला भाई कैसा लग रहा है? पूरा मस्त, एकदम मस्त, बढ़िया आ रहा है ना? पूरा बढ़िया एकदम। तो चले ना आगे बढ़े ना क्या? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां का जो व्यू है आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाला है, आप सभी को आशा करते हैं पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर से कर देना। सो फ्रेंड्स, जहां आने वाले थे वहां पर आ चुके, ठीक है? झाड़ग्राम लोधासुली का एक छोटा सा जगह है यहाँ पे, क्रिज गार्डन। तो यहीं पे आज घूमने के लिए मेनली आए थे, छुट्टी है, छुट्टी के दिन क्या करे घर पे, तो घूमने के लिए आ गए। तो देख रहे हैं मेरे सामने ये क्रिज गार्डन, तो इसका अंदर चलते हैं, इसका टिकट क्या होने वाला है, इसका अंदर का व्यू क्या है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले। तो ब्लॉग छोड़ के जाना नहीं, स्किप ना करना, पूरा ब्लॉग को देखिए, ठीक है? क्योंकि पूरा देखिएगा तो आप लोग को भी पता चलेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो स्किप ना करना। अभी फिलहाल जो सामने का जो पोर्शन का जो व्यू है क्रिज गार्डन का, यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग यहाँ से, क्योंकि मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया हूँ। तो देख रहे हैं दादा कत हो रहे, 50 एक जन है 50 भैया, एक जन का 50 रुपया, ठीक है? दो दिन पकड़ो, एक जन का 50 रुपया है, ठीक है? और चाइल्ड का शायद आपका 20 रुपया, जो चाइल्ड आएंगे चाइल्ड का 20, और जो बड़े लोग आएंगे, ठीक है, उनका लगने वाला है 50 रुपया करके, 50 रुपीज करके। सो फ्रेंड टिकट काट लिए हम लोग, और अंदर जाने वाले, अंदर का जो व्यू है पूरा दिखाएंगे। और ये जो पार्क है क्रिज गार्डन, इसका ओपनिंग टाइम है सुबह 8 या 9 बजे से ओपनिंग होता है, और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप लोग आ सकते हैं, और चलिए बाकी का जो व्यू है दिखाते हैं। चलो, और ये पार्क का सबसे एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए अंदर चलते, जैसे जैसे अंदर जाएंगे जो भी मूवमेंट रहेगा सब कुछ शेयर करने वाले हैं। और ये आपका जो सामने देख रहे हैं पूरा ही गुलाब का गार्डन है, और सामने बहुत बड़ा पोर्शन है इस क्रिज गार्डन का। तो पूरा घूमने वाले हैं, पूरा घूम के आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे।
बहुत ही प्यारा सा गार्डन है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया हुआ है इस गार्डन को, ठीक है। कहीं पे मयूर है, कहीं पे डॉल्फिन है, बहुत प्यारा सा है। अगर अपना फैमिली लेकर आइएगा तो बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा। और परी का जो सामने से भी मैं दिखाता हूँ, पीछे वाला पोर्शन है, और सामने से भी दिखाते हैं आप सबको। और ये तो शुरू कर दिया अपना झूले पे बैठ के झूलना शुरू कर दिया दूल्हा भाई, ठीक है, मजा आ रहा ना? मजा आ रहा है। एंट्री करते ही ये सब आएगा अपना बैठने के लिए, जो पत्ते वाला डिजाइन है उसके ऊपर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो गार्डन है ना, एंट्री करते ही मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी देखे, और बाकी जो अंदर का और भी बहुत सारा व्यू है, तो वो भी आप लोग के साथ दिखाते रहेंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। सबका मजा ले रहे हो ना? और बारिश तो हो रहा है, बारिश होने के बाद वेदर देख रहे हैं, आज इतना ज्यादा धूप हुआ है ना, क्या ही बताएं आप लोग को, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। और यहाँ पर गार्डन है छोटा सा, और भी इसके अंदर बच्चों का खेलने का जगह बना हुआ है, देख रहे होंगे पीछे में बच्चे का झूला लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा, वहां पर टाइल्स लगा का झूला लगा हुआ है एकदम स्टैंडर्ड हिसाब से। और सामने भी बहुत सारे बच्चों का है खेलने का, तो उधर भी चलते हैं। इधर देखिए गांधी जी के 3 बंदर, देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, अच्छा सा मैसेज दिया है इस गार्डन में। और इनको देखिए, ये तो कहीं भी जा रहे है, बस मजा ही मजा ले रहा है बैठ बैठ के। यहाँ पर बैठने का बना हुआ है बहुत अच्छा सा। चलो उस साइड चलते हैं, चलो भाई वो सामने के, तब वहां चलते हैं। गांधी जी के बंदर के पास हो बेटा, पूरा देखना नहीं, पूरा सुनना नहीं, और बुरा बोलना नहीं, मजा आ गया इस पार्क में आके, सच बता रहे, दिल गार्डन गार्डन हो गया गार्डन में आकर, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही। सिर्फ अगर थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए ना तो और भी मजा आएगा, अभी जिस हिसाब से पसीना दे रहा है ना, तो इरिटेट हो जा रहा हूँ। और इधर का भी जो है गार्डन, बहुत ही बड़ा गार्डन है, जो गार्डन है बहुत बड़ा है। अब बच्चे लोग आएंगे ना तो बहुत सारा इंजॉय करेंगे, आएंगे तो उन लोगों को जाने का शायद मन ना करे, इतना खूबसूरत सा एक गार्डन बना हुआ है क्रिज गार्डन। तो चलिए आगे का जो मूवमेंट है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। मार देगा हाथी तुमको, भागो वहां से, हाथी का दांत है, हाथी के पास से भागो, आ जाओ आ जाओ। के लिए बहुत सारा प्यारा सा व्यू है, और सामने में वहां पर ना पंछी उंछी भी रखा हुआ है उस साइड पे, तो उस साइड भी चलते देखते हैं कौन सा पंछी रखा हुआ है, देखते हैं। मेरे को तो पता नहीं है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ। काची से बना, ये ना कोई दूसरा सामान से बना, सीमेंट का नहीं है, मेरा शेर है। बोलो भाई चलो पकड़ के लेके चलते हैं, सबको डराएंगे हम लोग। लेकिन हाँ, पार्क कैसा लग रहा बताओ? बहुत अच्छा है ना, बहुत कुछ बना हुआ है। लेकिन इस वक्त क्या है ना, अभी तो आपका 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, तो इस टाइम खाली है, शायद शाम के टाइम भीड़ होता होगा। और ये जो सामने वाला जो दिख रहा है टीना वाला सेट बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे चिड़िया या जानवर भी रखा हुआ है, तो कौन सा जानवर है देखते हैं।
और वहां पर चलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा जानवर रखा हुआ है, देखकर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लेक स्वी पैरेट। आप लोग को दिख रहा कि नहीं पता नहीं, कोशिश करता हूँ दिखाने का। यहाँ पर लेक स्वी पैरेट रखा हुआ है, क्योंकि नेट इतना पतला है ना, देख रहे हैं नेट कितना ज्यादा पतला है, इसके अंदर से दिखाना काफी मुश्किल है। अरे यार येलो कलर का तोता, यहाँ पर देखिए कितना कितना कलर का तोते रखे हैं, येलो है, व्हाइट है और स्काई कलर का एक ब्लू कलर का, देखिए ये रहा ब्लू वाला, ये रहा ब्लू वाला तोता। सो फ्रेंड मैं रियल लाइफ में तीनों कलर का जो तोता है ना, रियल लाइफ में मैं देख रहा हूँ यहीं पे आके, इससे पहले मैं सिर्फ रियल लाइफ में ग्रीन वाला ही देखा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं तीनों कलर का तोता को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर आकर। गुंडा राज, ये गुंडा है। देख रहे हो पूरा गुस्से के अंदर है, एक ही पीस है इसके अंदर। अरे ये तो मुर्गी है ना, कोई अलग जाति का मुर्गी है। हाँ चलिए देखते हैं और क्या क्या है। दोस्तों इन लोगों को दिखाने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि नेट की वजह से बार बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा वीडियो जितना से जितना मैं छोटा शूट करूं, क्योंकि ये इलाका ना बहुत ही बड़ा है, अगर पूरा सब कुछ दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट में हो सब कुछ कवर करें और आप लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे आप लोग को पूरा मैं व्यू दिखा सकूं, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए तो देख लेना, स्किप ना करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पर लिखा ऑस्ट्रेलियन घुघू, एक तो और अभी हम लोग सामने में आ गए एक्वेरियम के पास, एक्वेरियम हाउस, और इसके अंदर चलते देखते हैं कितना बड़ा एक्वेरियम का सेटअप है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा आपका एक्वेरियम। टाइगर शार्क, सही में टाइगर दिखा रहा है। हाँ एकदम व्हाइट एंड ब्लैक दोनों रखा हुआ है। टाइगर सब टाइगर, एलिगेटर फिश, मतलब जो एलिगेटर होता है ना उसी का शकल का है, देख सकते हैं एलिगेटर फिश। मैंने एलिगेटर फिश फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, और आप लोग बताइए आप लोग इससे पहले एलिगेटर फिश देखे हैं कि नहीं देखे हैं। दिखा रहे इसका इसका मुंह देखिए, पूरा एलिगेटर का तरह ही मुंह दिख रहा है, पूरा मुंह देख रहे पूरा एलिगेटर का तरह। कैसा लग रहा, मजा आ रहा है ना, बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है जिस हिसाब से टिकट लिए, सोचे कि 50 रुपए ले रहे हैं तो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन नहीं है, जिस हिसाब से लिए हैं बहुत ही बड़ा एरिया, उस हिसाब से 50 रुपया कुछ भी नहीं है। ठीक है फिर भी हम लोग के लिए ज्यादा है ना, हम लोग के लिए 20 रुपया 30 रुपया ठीक है। और वहाँ पर विलेज गेस्ट हाउस है क्रिस गार्डन का, तो वहाँ पर चलते हैं देखते हैं क्या है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। आ जाओ फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छा सा व्यू दिखाते हैं आप लोग को, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है यहाँ पर पानी डाला गया है बहुत, इसके अंदर भी ना मछली छोड़कर रखे गया है, उस साइड में बहुत ज्यादा मछली दिख रहा है, उस साइड चलो देख रहे, इस साइड भी बहुत ज्यादा मछली छोड़कर रखे हुए हैं। देखिए देखते हैं क्रिस विलेज गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट,
अब देखते हैं इसके अंदर खाने पीने का क्या सामान मिलता है क्या, अब अंदर जाते ही पता चलेगा। चलिए अंदर चलते हैं। भाई साहब क्या गार्डन है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत ही बढ़िया। आप देखिए मेरे पीछे गेस्ट हाउस दिख रहा होगा, दिखाओ थोड़ा गेस्ट हाउस दिखाओ। तो गेस्ट हाउस देख रहे होंगे, गेस्ट हाउस के आस पास का जो सामने का जो ग्राउंड है ना, इसको भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर भी बच्चे लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। कितने सारे बच्चे लोग के लिए स्लीपर है, इंस्ट्रूमेंट है खेलने के लिए, कितना सारा एंजॉय करने के लिए है, तो आप लोग देख रहे होंगे। और दिखाओ इधर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखूं एंजॉय करके गोल गोल घूमकर, मजा आ रहा। मैं अकेले सेठ हूँ सेठ। तो यहाँ इधर का भी काम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे इधर कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यू काम चल ही रहा है। जब काम खत्म हो जाएगा तो शायद यहाँ का भी नजारा कुछ अलग ही देखने को होगा। और ये गेस्ट हाउस का नजारा है, गेस्ट हाउस का क्या है प्रोसेस रहने का या होल्ड का, वो भी आप लोग को पता करके मैं बताता हूँ। उधर चलते हैं, अब उधर जाने के बाद ही गेस्ट हाउस के बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल तो हम लोग आ गए राजस्थान में, गुलाबी ऊंट के साथ राजस्थान में हम लोग राजस्थान में हम लोग पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा धूप है लेकिन राजस्थान में देखिए अचानक से घास सूख चुका है, हरा भरा घास राजस्थान भी पलट गया है। और राजस्थान का जो इंसान है ऊंट वाला इंसान है, अरे आपका ऊंट गुलाबी क्यों है, कलर दिया ठीक है, अपने ऊंट को कलर कर दिया है ठीक। ऊंट वाला भी बहुत बदमाश हो गया। और इधर आपका जेबड़ा रखा हुआ है, जीराफ है, हाथी है, बहुत सारा प्यारा प्यारा सा, बच्चों लोग आएंगे ना, बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा सा गार्डन है, ढेर सारा एंजॉय करेंगे आके वो लोग। और ये जितना सारा बैठने वाला जो बनाया गया है ना, तो यहाँ का जो देख रहे बहुत ही अच्छा सा मतलब यूनिक बनाया है। और इसके ऊपर देखिए हर एक के ऊपर अलग अलग है, कहीं डायनासोर है, कहीं सीआर के साथ सारस है, कहीं पर ईगल बना हुआ है, वो सामने देख रहे ईगल बना हुआ है। बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा है, यूनिक सा गार्डन है एकदम। चलिए चलते हैं रेस्ट हाउस की तरफ और उनसे बात करते हैं रेस्ट हाउस का क्या रेट है और कैसे रेंट मिलता है, कितने देर के लिए मिलता है, तो सब कुछ पता करते हैं और पता करके आप लोग को बताते हैं। सो फ्रेंड फिलहाल तो रिसेप्शन के पास ही खड़े थे, कोई नहीं है अंदर में, शायद उस साइड में होंगे। तो चलिए देखते हैं किधर है, मिलकर बात करते हैं। आ जाओ फ्रेंड्स, सामने वाला व्यू देख सकते हैं, बैठने के लिए बहुत अच्छा सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख रहा है, बहुत अच्छा सा बैठने के लिए बनाया गया है, आप लोग आके यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये आपका रेस्टोरेंट है सामने जहाँ भी खड़े थे हम लोग। और ये आपका गेस्ट हाउस का ये हिस्सा है, यहाँ पर आप लोग बैठ के आकर रेस्ट कर सकते हैं, ये इसीलिए बना हुआ है ना, तो यहाँ पर बैठने के लिए है, वो सोफा ओफा लगा हुआ है अंदर। आइए अंदर से भी पूरा व्यू दिखाते हैं आप लोग को। अरे गुरु गुरुदेव, ऊपर देखो क्या है आपका, देखो सर के ऊपर ऊपर वाला डिजाइन देख। सो फ्रेंड अभी तो फिलहाल पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, काफी ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा, आप लोग देख रहे हो पूरा भीग चुका है मेरा अंदर वाला जो बनियान है ना, वो भी भीग चुका है। तो क्रीज गार्डन का जो व्यू है पूरा आप लोग को दिखाएं, जो जितना सारा व्यू है पूरा ही व्यू लगभग दिखा चुके हैं। अभी मैं गेस्ट हाउस की तरफ बैठा हूँ यहाँ इस साइड का, तो अभी रिसेप्शन में कोई नहीं था, तो जब आ जाते हैं पूछकर मैं बताता हूँ यहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकने का क्या चार्जेस है, कैसा क्या है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। फिलहाल तो आप लोग बताइए आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इस भाई को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। मैं सो फ्रेंड्स अब हम लोग इधर से रेस्ट हाउस से इधर से निकल लें और चलिए थोड़ा सा आगे जाके आप लोग को रेस्ट हाउस का जो प्राइस है ना, रूम का जो प्राइस है एक दिन का 24 आवर्स का जो प्राइस है, उस प्राइस के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ रिसेप्शन में बात किए, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है क्योंकि मैडम नहीं है कि मैं परमिशन लेके वहाँ पर मैं शूट करूँ। तो रिसेप्शन के वहाँ पर जो काम कर रहे हैं भाई लोग से पूछे, तो यहाँ पर वो रूम का चार्जेस है, सभी एसी वाला रूम है, एक आपका लग्जरी रूम है ठीक है, अच्छा खासा टॉप वॉप उसके अंदर है, तो आपका 4,500 पड़ेगा, उसके ऊपर आपका GST है, और एक आपका 2,500 पड़ेगा ठीक है, सब डबल बेडरूम है, 2,500 पड़ेगा, उसके ऊपर GST अलग से, तो कॉस्टली ज्यादा है। अंदर तो अंदर का तो व्यू नहीं दिखा सकता रूम का,
वो परमिशन रहता तो उसका भी मैं फुल्ली आपको व्यू दिखाता। तो फिलहाल तो अभी जो मैम है नहीं जो मैं परमिशन लेकर रूम का व्यू दिखा सकूँ, तो फिलहाल के लिए मैं प्राइस ही आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, घूमना उमना हो गया और बाकी जो व्यू है वो भी आप लोग को दिखाते दिखाते चल जा रहा है। यहाँ का जो ओवरऑल जो व्यू है, ठीक है, जाते जाते आप लोग भी देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। गार्डन सच में बहुत बड़ा है, घूमते घूमते पैर दुख गया हम लोग का। सो फ्रेंड्स, जो क्रिज गार्डन आए थे हम लोग घूम लिए, ओवरऑल जितना सारा व्यू था आप सबको दिखाए, कोशिश किए पूरा व्यू दिखाने का, तो मेरे हिसाब से मैं पूरा व्यू दिखाया। तो यहाँ का जो व्यू है पर्सनली मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आई होप आज का जो ब्लॉग है और यहाँ का जो व्यू है आप सबको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। ऐसे ही हमेशा बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलता रहेगा मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, कहीं भी घूमने जाएंगे कुछ भी, हर हमेशा आप लोग को मैं अच्छा अच्छा एरिया दिखाता रहूंगा, मेरा जो लाइफ स्टाइल रहता है आप लोग के साथ हमेशा शेयर करूंगा। तो चलिए, क्रिज गार्डन का जो ब्लॉग है आज यहीं पे खत्म करते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे ब्लॉग में आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।